हेलो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ट्रेडर से जो 3 लाख के ऑलमोस्ट लॉस कर चुके थे कॉटेक्स में, और फिर मुझे ज्वाइन करके वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, अपना लॉस रिकवर भी कर लिया और 2 लाख प्रॉफिट में भी आ गए। ओके, तो ये लॉस रिकवर कैसे किए, कैसे मनी मैनेजमेंट करते हैं, कौन सा स्ट्रेटजी कॉटेक्स में यूज करते हैं, क्या साइकोलॉजी होता है, ये सब कुछ का जवाब ये देंगे। मैं बारी बारी से पूछूंगा, क्योंकि देखो आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, जो भी देख रहे हो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो प्रॉफिटेबल बनता कैसे है, किस चीज को फॉलो करके बनता है, ये सब का आपका सवाल होता है। तो इसी का जवाब आज जफरी भाई देंगे, तो मिलिए जफरी भाई से, ये हमारे वीआईपी ग्रुप के मेंबर है। ओके, तो कैसे है जफर भाई? ठीक है भाई, ठीक है। आप बताएं। बढ़िया बढ़िया। तो आपका कितना लॉस हुआ था और कितना अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, ये आपको अभी प्रूफ के साथ भी दिखाएंगे, ये सब कुछ हम प्रूफ के साथ देखेंगे, ठीक है? इनका पीएनएल वगैरह सब कुछ ये ना हो, और आज ये कितना प्रॉफिट किए ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपका कितना लॉस था ओवरऑल? मेरा ओवरऑल 3100 का लॉस था आपसे थर्टी ज्वाइन होने से हंड्रेड पहले। डॉलर रुपया या डॉलर, ये भी बोल दो डॉलर डॉलर, डॉलर मतलब डॉलर 3100 डॉलर का भाई का तो लॉस था। और अभी आप कितना पॉजिटिव में कितना हो? अभी मेरा बैलेंस है 3182। 3182, मतलब 3100। हाँ, मतलब तो इसमें से प्रॉफिट कितना है आपका? टोटल मेरा इसमें प्रॉफिट है 2300 डॉलर। 23, मतलब 2300 डॉलर ऑलमोस्ट, ये कितना होता है, हाँ 1 लाख से ज्यादा का ही होता है, सॉरी 2 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट में आ गया। तो मतलब आपने 3 लाख का लॉस भी रिकवर किया और 2 लाख प्रॉफिट में भी आ गया, ठीक है? तो आप एक बार दिखा दो, ये दिखा दो, आप एक बार पीएनएल देख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि आप इसको लॉस रिकवर कैसे किए। तो आप मतलब वो जो स्क्रीन है ना सामने वाला, पहले बैलेंस दिखा दो एक बार वो करके और रिफ्रेश करके, ताकि लोगों को विश्वास हो, फिर हम बात करेंगे कि कैसे क्या किया आपने, ठीक है? ये देख पा रहे हो आप? ये भाई का आप देख रहे हो 3182 डॉलर है भाई के अकाउंट में अभी। ये लाइव पे एक बार क्लिक करो, ठीक है? ठीक है, ये लाइव इसको रिफ्रेश करूं? हाँ रिफ्रेश करिए एक बार, क्योंकि कुछ बंदे इसमें निगेटिव भी होते हैं। बोनस भी है कुछ? इसमें बोनस भी है, कोई नहीं, मगर जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है वो 2300 है। अच्छा 2300, हाँ ठीक है। और आप आज का लीडर बोर्ड दिखाइए कि आपने लीडर बोर्ड में आज कितना प्रॉफिट बनाया है। लीडर बोर्ड इधर आएगा 473 डॉलर, 473 डॉलर आज का ये। भाई का प्रॉफिट है। और ओवरऑल जो है ना, इस महीने का पीएनएल दिखा दो, ओवरऑल पीएनएल, फिर ओके, बात ये इधर करते आएगा हैं। हाँ एनालिटिक, एनालिटिक्स में ये देखो, ये इसमें दिखा रहा है जनरल डाटा, ये इस ये इधर आपने दिखाएगा जो वीक लॉस के किया था अंदर। ना उसका भी दिखा रहा है, 1 वीक का, 1 वीक का या 2 वीक का जो भी है वो दिखा दो, जो 2300 आपको दिखा रहा था। चेंज करने का कोई दिक्कत नहीं है। 2300, 2366 डॉलर है भाई का प्रॉफिट, और इसमें 299 ट्रेड भाई ने लिया है। और एक्यूरेसी कितना है आपका यहाँ पे, क्लियर नहीं दिख रहा? हाँ 659 एक्यूरेसी है, ठीक है? तो ये सब कुछ पता चला गया कि भाई ने कैसे क्या किया है प्रॉफिट। अब चलिए हम बात करते हैं भाई। वन मिनट, कैमरा कैमरा भाई, ओके सर। अब ये बताइए कि आप पहले मतलब कैसे, मतलब दूसरे दूसरे ग्रुप में भटक रहे थे, ठीक है? सब लोग होते हैं जो दूसरे दूसरे ग्रुप में भटकते हैं कॉटेक्स में, किसी को एक अच्छा मेंटर नहीं मिलता जो उसको गाइड कर सके, ठीक है? तो इसके बारे में बताइए कैसे आप मतलब कैसे भटके, मतलब और कैसे मेरे पास आए। मैं नाम मत लेना किसी सबसे यूट्यूब पहले, चैनल का, नहीं तो हो जाता है कॉपीराइट आ जाता नाम नहीं, मैं सबसे पहले एक ग्रुप में ज्वाइन हुआ था। है। वो मैं सिग्नल के लिए ज्वाइन नहीं हुआ था। वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि मैं देखना चाह रहा था कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है। तो उसके बाद मैं ज्वाइन हुआ, मैंने मैसेज किया, उधर से सिर्फ इतना रिप्लाई आया कि ऐसे ज्वाइन होना है, आईडी बनाना है। मैं ज्वाइन हुआ, उसके बाद मैं मैसेज किया तो उसके बाद रिप्लाई नहीं आया ज्वाइन होने के बाद। ठीक है ठीक है। तो मैं, हालांकि मैं उस बंदे के सिग्नल कॉपी नहीं किया, फिर भी मैं लॉस करता रहा। फिर एक दिन जब मैं बड़ा लॉस किया तो ऐसे ही यूट्यूब पर रेंडमली लिखा कि कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, तो उसमें आपका वीडियो आ गया। अच्छा, अब जब आपका वीडियो आया तो मैं ऐसे ही क्लिक कर दिया, ऑफिस में बैठा हुआ था, और जब मैं आपकी वीडियो देखा तो आपने बताया, तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि कुछ सही है। तो फिर मैं वो सतीश भाई की वीडियो भी देखा, फिर वो आपका पूरा चैनल देखा, उसके बाद मैं ज्वाइन कर दिया। जो नहीं जानते कि सतीश भाई कौन है, मेरे ग्रुप का मेंबर है, जो 2800 रुपया से 15 लाख रुपया प्रॉफिट बनाया है और मेरे स्ट्रेटजी से ही बनाया है, ठीक है? चलिए, तो फिर मुझे ज्वाइन किया, मुझे ज्वाइन करने के बाद दूसरे लोगों के कंपेयर में मेरा कैसा लगा ग्रुप आपको?
आपका मेरे को ये सबसे सही चीज लगा कि आप जब मैं ज्वाइन हुआ आप उसी दिन मेरे को कॉल किए, आप उस दिन मेरे को कॉल किए तो मेरे को लगा कि हाँ कुछ आदमी जेन्युइन है। फिर भी मैं उसके बाद आपसे ज्वाइन होने के बाद 2 बार लॉस कर दिया, यानी सर, टोटल 40 बार ये फोर्टी सेल्फ फाइव लॉस था टाइम्स या में मेरे अकाउंट वजह से लॉस ओवर था? किया। वो मैं अपने सेल्फ लॉस किया था, सेल्फ वो लॉस मतलब ओवर ट्रेडिंग वगैरह। तो इसके बाद मैंने आपको कॉल किया, समझाया, और फिर आपका लगभग कितना, 3100 डॉलर लॉस था ना ओवरऑल? 3100 ओवरऑल, 3100। 3100 डॉलर लॉस था। फिर आपने 3100 डॉलर लॉस रिकवर करके अभी 2300, मतलब 2300 डॉलर, 2385, ममतलब ऑलमोस्ट 2400 डॉलर मान के चलो, 2 लाख से ज़्यादा रुपया होता है अगर बाइनेंस पे आप सेल करते हो तो, 2300, 2 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट में भाई आ गए। तो आप बताइए कि आप कौन सा स्ट्रेटजी यूज किए? मैं आपकी स्ट्रेटेजी तो सारी देखा, मगर मेरे को जो सही लगा वो 6 MA लगा, 6 SMA। 6 MA, 6 SMA, और दूसरा उसके साथ प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत। तो बहुत हाँ, सारे लोग ने क्योंकि अपने उसके ग्रुप साथ का, जफर भाई अपने ग्रुप का बहुत सारे लोग जो है ना कि 6 SMA से ही प्रॉफिट कर रहे हैं, और भी ये 4-5 लोग हैं जो अपना 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार डॉलर लॉस, कल एक बंदा 2400 डॉलर प्रॉफिट किया था। तो ऐसे बहुत सारे बंदे जो 6 SMA से प्रॉफिट कर रहे हैं। 6 SMA का स्ट्रेटजी जो है ना, मैं आपको, अगर VIP ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको फ्री में वो प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं लाइव सेशन में लेके आपको क्या करता हूँ कि आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। तो 6 SMA पे आपका 59 एक्यूरेसी आ रहा है। तो ये लॉस आपने कितना दिन में ये रिकवर किया भाई? ये मैं 7 तारीख को डिपॉजिट किया था, 7 जून को, पर तो हाँ 7 जून को, आज 17 आज है। है 17 है, तो 10 दिन के अंदर में आपने अपना लॉस भी रिकवर किया और आपने शुरू मतलब में प्रॉफिट में आ गए। शुरू में 3 4 दिन में 5 5 डॉलर, 10 10 डॉलर करके अच्छा प्रॉफिट बनाया, मतलब एक्यूरेसी अपनी देखा क्या एक्यूरेसी आ रही है। फिर उसके बाद में थोड़ा सही किया। फिर ज़्यादा थोड़ा सा रिस्क बढ़ाया अपना और फिर मतलब प्रॉफिट करने लगा। जब मुझे लगा मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको भी मैं स्क्रीनशॉट भेजा, आप बोले नहीं एक्यूरेसी आपका बढ़ गया, तब मैं थोड़ा, मगर फिर भी इतना ज्यादा नहीं किया जैसे पहले किया था। पहले तो बिल्कुल ही मैं आपको बता दूं कि ये जफरी भाई ना जब न्यू न्यू में आए थे तो ये कंफ्यूज थे, और आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करे, क्या मनी मैनेजमेंट रखे, क्या साइकोलॉजी रखे, और सबसे बड़ी बात क्या मैं ट्रेडर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, और कॉटेक्स मुझे पैसा देता है या नहीं देता है, विड्रॉल मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि कॉटेक्स के बारे में बहुत सारा अफवाह उड़ा हुआ है। तो क्या आपको विड्रॉल मिलता है कि नहीं मिलता है भाई? अभी आप एक मैसेज डाले थे ग्रुप में बोनस का, 70% बोनस, तो मैं उसकी वजह से अपना अमाउंट विड्रॉल किया, वो मेरा 2 घंटे में आया, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा। फिर उसके बाद मैं दोबारा अपना डिपॉजिट किया बोनस लेने के लिए, तो मेरे को 400 डॉलर बोनस मिला था। अच्छा, देखो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग ना बाइनेंस यूज करते हैं ना, बाइनेंस, बाइबिट वगैरह, क्रिप्टो का कोई भी मेथड यूज करते हैं ना, तो आपका डिपॉजिट भी फास्ट होता है, विड्रॉल भी फास्ट होता है, कभी भी अटकता नहीं है, ठीक है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं ना कि आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि क्या चीज फॉलो करें, कैसे, किसको फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग हैं जिसको फॉलो कर रहे हैं वही लॉस करवा रहा है, कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करें। तो देखो दोस्तों, ये जफरी भाई भी ऐसे ही हैं और मेरे ग्रुप के और भी बहुत सारे लोग हैं जो लॉस रिकवर किए, ये भी पहले ऐसे ही थे, बाद में मैंने गाइड किया कि भाई इस स्ट्रेटजी को ऐसे फॉलो करो, इसमें गलती नहीं है, यहाँ पे आपको सुधारना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा, और ये सब चीज मेरे को मुझे समझाने के बाद जफरी भाई के अंदर एक विश्वास आया, और उस विश्वास को फॉलो करके जितना भी रोल मैंने बताया वो फॉलो करके तब आज जाके 10 दिन के अंदर में भाई ने लॉस रिकवर किया। एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं सर, एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपके सब्सक्राइबर को। दिखाऊं? ठीक है ठीक है, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। जब मैं अकाउंट अपना डिलीट किया था, मैं आपको क्या मैसेज किया था? ये भाई ने मुझे मैसेज किया था कि आप भाई देखो, भाई का 3100 डॉलर का लॉस हो गया, सेल्फ लॉस कर लिए, जबकि मैंने इनको बोला था कि भाई आप ऐसे ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करो, ऐसे ऐसे विड्रॉल करो, मेरा बात नहीं माने। शुरू शुरू में होता है, आप प्रॉफिट करते हो ना तो आप अपने आप को तेज समझते हो, जैसे कि जबरी भाई ने समझा था, और उसने रूल फॉलो नहीं किया, पैनिक होके 3100 डॉलर लॉस कर लिया, ठीक है, 3100 डॉलर लॉस कर लिया। उसके बाद भाई ने क्या किया, अकाउंट डिलीट कर लिया। डिलीट करने के बाद बोलते हैं भाई कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपके लिंक से ही अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। मैं उनको ग्रुप से रिमूव नहीं किया, आप अकाउंट डिलीट कर लिए या कुछ भी कर लिए, मैं ग्रुप से रिमूव नहीं किया, और ये भाई बोले कि आपके लिंक से ही बनाऊंगा और मैं कम बैक करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। और भाई ने फिर से अकाउंट बनाया, फिर से अब की बार मेरा रूल फॉलो किया, मैं जो रूल फॉलो करके लीडर बोर्ड में आया,
42,000 डॉलर एक दिन में वर्ल्ड वन रैंक में आया था, ठीक है। तो भाई ने मेरा रूल फॉलो किया और आप देखो 10 दिन के अंदर में 5 लाख रुपया कमाना बच्चों का खेल नहीं है भाई, लॉस रिकवर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। और ऐसा नहीं है, ये भाई विड्रॉल भी करते हैं, जो प्रॉफिट के पैसे आते हैं उसको विड्रॉल करते हैं, जिससे इनका जो बैकअप कैपिटल है वो भी बनता रहे, ठीक है। क्या जफर भाई? सही है सर, मेन बात यह है कि विड्रॉल करना कोई बड़ी बात नहीं। मेरा मानना यह है कि अपने पैसे पे कंट्रोल होना चाहिए, प्रोटेक्ट छीन थोड़ी रहा है पैसा आपसे। सही बात है, हम अपना रूल ब्रेक करते हैं तभी ये होता है। तो आप मेन जो पॉइंट होता है ना, कुछ पॉइंट जो होता है कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, ये सब चीज कुछ बता दो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कैसे आपने लॉस रिकवर किया। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं एक आदमी की वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, जब मैं बहुत लॉस किया तो वो मैंने लिखा कि मंथली कितना परसेंटेज आना चाहिए आरओआई जो इनाफ हो। तो वो आदमी क्या बोलता है कि मैं तो दिन का 1.5% आरओआई कमाता हूँ अपने कैपिटल पे, जो भी कैपिटल हो एक्स वाई जेड। तो मैं सोचा कि मैं दिन का 10% कमा के भी नहीं रुक रहा हूँ, यानी मैं सबसे बेकार आदमी हूँ। सही वो बात आदमी 1.5% में खुश है, है। यानी आपने 10,000 डॉलर से 1,000 डॉलर कमाया और मैंने 100 डॉलर से 10 डॉलर कमाया, परसेंटेज बराबर है, सही बात मगर मैं फिर भी नहीं रुक रहा हूँ, इसमें मेरी गलती है। रुकना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग करते हैं कि 10 डॉलर से 50, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं 10 डॉलर से 100 डॉलर बना लेते हैं और फिर लास्ट में वो 100 डॉलर भी लॉस करते हैं और अपना 10 डॉलर भी लॉस करते हैं, दोबारा डिपॉजिट करते हैं वो भी लॉस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होता है कि रुकना, आपको रुकना कहाँ पे है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है और कहाँ पे क्या करना है, ये सब चीज मैं ना गाइड, देखो जो वीआईपी ग्रुप मेंबर है ना फ्री में, तो मेरा वीआईपी ग्रुप मेंबर ज्वाइन होते हैं, उसके अलावा भी मैं 20,000 का कोर्स आपको फ्री में देता हूँ और लाइव डेली आके मैं आपको ट्रेड भी कराता हूँ और आपको सिखाता भी हूँ। इसमें मैं सब कुछ बताता हूँ कि कब विड्रॉल करना है, कितना परसेंटेज लेना है, कौन सा स्ट्रेटजी करना है, किस मार्केट में आपको नहीं करना है, ये सब चीज मैं आपको सिखाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि लोगों के अंदर एक रियलिटी आता है कि भाई इस चीज को फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। जबर भाई एक चीज बताइए कि आप कितना स्टेप एमटीजी जाते हैं और 6 SMA में कितना स्टेप एमटीजी जाते हैं? मैं 4 स्टेप जाता हूँ सर, आप बताए थे 4 स्टेप जाना है, वो जरूरत नहीं पड़ता। सैटरडे संडे को मार्केट बहुत खराब रहता है, तो मैं 4 स्टेप के सैटरडे संडे अपना मैं रिस्क बहुत डाउन कर देता हूँ। जैसे मैं इससे सैटरडे को देखा बहुत मार्केट खराब था, तो मैं सिर्फ 7 डॉलर से ट्रेड लिया, 7 और 10 ओनली। अच्छा, और दिन में कितना ट्रेड लिया हो? ये 500 डॉलर आपने बनाया है तो कितना ट्रेड आपने लिया लगभग? आज का मैं ट्रेड लिया हूँ 60, 60 ट्रेड। 60 में से मेरा 37 विन है। अच्छा, मैं दो चीज बताता हूँ आप लोगों को। देखो दो तरह के ट्रेडर होते हैं, आपको डिटेल्स में मैं वीआईपी ग्रुप में बता दूंगा। दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक ट्रेडर होते हैं जो 5-10 ट्रेड फिक्स रखते हैं कि डेली का मैं 5 ट्रेड लूंगा, एक ट्रेडर वो होते हैं कि दिन का 50 से 100 ट्रेड। अब ये ओवर ट्रेडिंग के कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें मैं बोलता हूँ कि आपका एक फिक्स स्टॉप लॉस, छोटा सा फिक्स स्टॉप लॉस रखो और उस पे ही ज्यादा रिस्क लो, ट्रेड ज्यादा लो लेकिन स्टॉप लॉस आपका छोटा सा ही होगा, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आदमी का रिस्क तो उतना ही रहता है, रिस्क तो उतना ही रहता है लेकिन क्या होता है कि उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। अब हम 10-10 डॉलर का 5 ट्रेड लिए 50 डॉलर हुआ और 10-10 डॉलर का 50 ट्रेड लिए 500 डॉलर हो गया, ठीक है, लेकिन रिस्क हमारा कितना होगा? 50 डॉलर का ही स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये सब चीज मैं सिखाता हूँ, इसीलिए बहुत सारे आपने मेंबर अपना आपने लॉस रिकवर कर चुके हैं, ठीक है। आपने एक रूल रूल बताया था ना सर, कि एक ही पेयर में 4 स्टेप नहीं जाना है। पहले मैं क्या करता था, एक ही पेयर में तड़ तड़ 4 ट्रेड मार देता था, यानी एक ही पेयर में 4 स्टेप। मगर जब से मैं पेयर चेंज करना शुरू किया हूं तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई, यानी पेयर अगर चेंज करते हैं तो अलग अलग वो हो गया, बिल्कुल रेस्ट भी मिलता है उसमें थोड़ा, तो आपका पहले जो बहुत ट्रेडिंग कम था, जो चांस है। पहले जफरी ट्रेड करता था उसमें क्या बोलते हैं कॉटेक्स में, और मेरे ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, मेरा रूल फॉलो करने के बाद आप जो ट्रेड कर रहे हो इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा जो मैं रूल बताया हूँ। हाँ, एमटीजी है सब कुछ सर, हाँ, एमटीजी और 6 ML। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि दूसरे ग्रुप में ओनली श्योर शॉट, ओनली कंपाउंडिंग, ओनली 5 स्टेप कंपाउंडिंग। अभी एक ग्रुप में देख रहा था, बहुत फेमस यूट्यूबर है कॉटेक्स का, बोल रहा था डेली 5 स्टेप कंपाउंडिंग, ये पॉसिबल नहीं है। और आप लोग ऐसे ही चीज देखकर आप इसके पीछे भागते हो, डेली 5 स्टेप कंपाउंडिंग करवा रहा है,
डेली टू स्टेप कंपाउंडिंग करवा रहा है, और ये सब चीज देखकर आप क्या करते हो, उसके ग्रुप में जाते हो, वो तो सिखाता नहीं है, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है और आपको लॉस करवा देता है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, एमटीजी रियलिटी है, बस एमटीजी को सही से लेना आप सीख गया ना तो आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। ठीक है, देखो 10 दिन के अंदर में 5 लाख का लॉस रिकवर करना एक छोटे से कैपिटल के साथ बहुत बड़ी बात है, और जितना इनको मैं अभी बता रहा हूँ और ये अपना कैरियर बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जैसे एक था मेरे ग्रुप में, एक मेरे यूट्यूब पे एक चैनल, वो वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, वो 2800 से 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कैसे किया था सतीश बघेल ने, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, वो 15 लाख रुपया प्रॉफिट किया था, वो भी 10 दिन के अंदर में। ओके, अभी भी कंसिस्टेंसी से छोटा छोटा प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, और ऑटो चलाना बंद कर दिया। तो ऐसे चीज होते हैं, आप लोग को भी मैं बोलूंगा एक राइट मेंटर चुनो जो आपको सिखाए, आपको मतलब रियलिटी बताए, ये नहीं बोले कि 5 स्टेप कंपाउंडिंग करवाता हूँ, 10 स्टेप कंपाउंडिंग करवाता हूँ, रियलिटी बताए कि रियलिटी किस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, तभी जाके होगा। क्या जफी भाई? यस सर। तो आप एमटीजी में करियर कैसे बनाने का सोच रहे हैं आप? अभी इसी में करियर है, अभी जब इसमें 2 साल गुजर गया इसी ट्रेडिंग के चक्कर में, तो अभी इसी में करियर बनाना है। पहले इंडियन मार्केट आप लगातार लॉस कर रहे थे और मुझे ज्वाइन करने के बाद अचानक प्रॉफिटेबल करने लगे, कॉन्फिडेंस तो बूम हुआ होगा। हाँ सर, मैं आपसे, मैं भी 2 मंथ पहले मिला था आपसे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भाई ने मैसेज किया था, ऐसे ऐसे बात है। मैंने देखो, मुझे अगर आप मेहनत करने वाले लगते हो ना, और मैं देखता हूँ आपका ट्रेड हिस्ट्री, तो मैं आपको कॉल भी करता हूँ, मैं पर्सनली समझाता हूँ। देखो, अगर मैं समझा रहा हूँ और मेरी वजह से आपका लाइफ चेंज हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई, दुआ तो मिल रहा है ना, कम से कम कोर्स नहीं बेच रहा हूँ तो। ठीक है, एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है दिखाइए। आपसे वादा किया था मैं तैयार है आपका गिफ्ट। अरे अरे, भाई ने बोला था कि भाई मैं आऊंगा तो आपके लिए, ये भाई कुवैत रहते हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश कमाने गया, तो बोले थे कि कुवैत का परफ्यूम बहुत फेमस होता है तो आपके लिए लेते आऊंगा, तो भाई ने कुवैत का परफ्यूम रखा हुआ है मेरे लिए लाने के लिए। ठीक है, तो भाई को बहुत बहुत मतलब वो कि भाई अपना, एक सेकेंड भाई मैं लैपटॉप चार्ज में लगा, भाई लीडर बोर्ड में आए जल्दी से, अपना बहुत सारे बंदे लीडर बोर्ड में आ चुके हैं अभी तक। कल भी एक बंदा 2400 डॉलर प्रॉफिट किया था, एक निंजा करके है, वो भी अच्छा 2400 डॉलर कल प्रॉफिट किया था, वो उनके यहाँ लाइट चला गया था, तो कल उनके साथ भी वीडियो रिकॉर्ड होता हमारा, इंटरव्यू वीडियो। हाँ, वो भी गुड गुड अच्छा लड़का है वो भी। हाँ, तो कॉटेक्स एक बार और बता दो कि कॉटेक्स प्लेटफॉर्म कैसा है, आपके इसके अंदर मतलब वो पोटेंशियल क्या है, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो या लॉस रिकवरी करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों को लगता कॉटेक्स फेक है। कॉटेक्स एक ऐसी चीज है, अगर इसमें आदमी ने एक बार करियर बना लिया तो वो इतना कमा सकता है जितना एक एक्टर कमाता है, बहुत मतलब इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, और ये फेक नहीं है सर, ये फेक नहीं है। जब आप एक ही मोबाइल में 3-4 ID ओपन करोगे, उनके रूल रेगुलेशन तोड़ोगे, तो वो ब्लॉक लाजिम करेगा आपको, करेगा ये। और इंसान ना देखो, खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं करता है, पैनिक जो होता है इंसान में, वो पैनिकनेस का कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन वो क्या करेगा ना, कॉर्टेक्स पे ब्लेम करेगा कि कॉर्टेक्स ने लॉस करवा दिया। भाई आप पैनिक हुए, आप ट्रेड लिए, कॉर्टेक्स उस सेम सबके लिए एक ही कैंडल बनाता है, आपके लिए अलग और मेरे लिए अलग कैंडल नहीं बनता। पहले मेरे को भी ऐसे ही लगता था, जिधर मैं ट्रेड लेता हूँ उधर ही लॉस जाता है, मगर हाँ। मैं उधर ट्रेड लेता था जिधर वो ट्रैप करता है। हाँ, ट्रैप करता है। और मैं एक चीज बताओ कि मेरा स्ट्रेटजी जानने के बाद, मेरा ग्रुप में जो लर्निंग वीडियो पोस्ट करता हूँ, उससे क्या बेनिफिट मिलता है? उससे बेनिफिट ये मिलता है, मेरा जो उसूल है ये है कि मैं आपकी, मेरा डेली का उसूल है, आपकी एक ना एक वीडियो ऑफिस में चला के छोड़ देता हूँ, सुनता रहता हूँ क्या सर बोल रहे हैं, तो उससे दिमाग शार्प होता चला जाता है के लॉस नहीं करना, कहाँ रुकना है, क्या है। मैं डेली एक वीडियो आपकी लगाता हूँ, मेरा मैनेजर बोलता है क्या इस आदमी का व्लॉग देखता रहता है, मैं क्या व्लॉग नहीं है, ये मेरा टीचर है। अच्छा, उसको नहीं बोले कि आप जितना कमा रहे हो 6 महीना में कमाओगे, वो मैं 10 दिन में कमा लिया। उसको नॉलेज नहीं है, इतना अरबी है वो, तो हाँ। बोलता है कि ये आदमी क्या बोलता है, मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा टीचर है, थोड़ा स्कूल की क्लास चलती है। चलो ठीक है, आप लाइव में और ग्रो करो, लीडर बोर्ड में आओ, मेरा यही दुआ है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इतना ही सवाल था, एमटीजी का सवाल था, कौन से स्ट्रेटजी फॉलो करना है, और बाकी आपको डिटेल्स में चाहिए ना, जो चीज़ सिप्रियन जफरी भाई फॉलो कर रहे हैं, ये सारा वीडियो ना मैं यूट्यूब मतलब अपने कोर्स ग्रुप में पोस्ट कर दिया हूँ, अपना स्ट्रेटजी जिससे भाई ट्रेड लेते हैं, अपना मनी मैनेजमेंट, अपना साइकोलॉजी, ये सब कुछ मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा भी कुछ डाउट होता है तो VIP ग्रुप में मैं लाइव सेशन लेता हूँ, उस लाइव सेशन में आप मेरे से लाइव सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है,
और जो कोर्स ग्रुप है वो फ्री में है, जो भी वीआईपी ग्रुप मेंबर ज्वाइन करते हैं मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करके उसको मैं फ्री में ज्वाइन करता हूँ। आप टेलीग्राम मेरा कमेंट बॉक्स में होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको उसको क्या करिए उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अकाउंट ओपन करके मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन लास्ट बात करूंगा। बोलूं सर, एक लास्ट बात, हाँ एक हाँ लास्ट बात बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ, जो आदमी अपने टीचर की इज्जत नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। सही बात है, आप बस इससे में आप खुद लॉस करते हैं। आप देखिए, आपने एक्सेप्ट किया कि मैंने खुद $3100 का लॉस किया, और आप बोल दोगे कि इसके ग्रुप में ज्वाइन करके मैंने लॉस किया, तो नहीं होगा ना। हाँ, तो नहीं, बहुत सारे आपने एक्सेप्ट किया, और आपने एक्सेप्ट किया कि मेरा खुद का गलती था, खुद का गलती था, और उस गलती को मैंने बोला कि कैसे सुधारना है, और आपने सुधारा, अपने मेंटर अपने टीचर का बात मान के उस गलती को सुधारा, तो आज आप अपना लॉस रिकवर करके आप पॉजिटिव उसमें आ गए हैं, प्रॉफिट में आ गए हैं। और भगवान न करे मतलब कि अब कुछ बैक जाना पड़े कुछ भी, इससे इससे आगे बहुत ही अच्छा ही होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे रूल फॉलो करोगे, डेली का $500 ऑन एवरेज बना रहे हो, तो समझ रहे हो महीने में कितना, 15 लाख बन जाएगा भाई। ठीक है, हाँ, 15 लाख धीरे-धीरे नहीं रोल भी फॉलो बना, करना मान लो पड़ेगा। कि स्टॉप लॉस भी गया, तो भाई 5 लाख तो बनेगा महीने का, तो बहुत है एक ऐसा। दिन तो जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं आप लोग से ओके नेक्स्ट भाई, वीडियो में। चलिए बाय। ओके भाई। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड।